एक म्यूज़िक वीडियो लॉन्च किया है, दैट इज़ लॉट आउना। जो हमारी सिंगर थे वो है सिंगर शान, काफ़ी बड़े सिंगर हैं एंड हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमारा ये पहला गाना गाया फॉर अपेक्षा फिल्म्स, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। एंड लॉट आउना अगेन एक रोमांटिक सैड सॉन्ग है जो हमने पहला, जैसे हमारा पहला गाना है वो हमने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। एंड उसका जो वीडियो एंड वीडियो का जो डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन है वो मेरे फादर अजय जसवाल जी ने किया है। यस, रिकॉर्डिंग के लिए शान जी की थोड़ी डेट्स की हो रही थी प्रॉब्लम, लेकिन फाइनली वी गॉट द डेट एंड वी रिकॉर्डेड। तो जहाँ से शूट कम्प्लीट हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन कम्प्लीट हुआ, वी प्लान कि आज 27 तारीख को रिलीज करना है, आज कर दिया। बिकॉज कल हम लोग वापस जा रहे हैं शूटिंग के लिए, कल जा रहे हैं गोवा टू शूट 3 songs एंड दैट इज संग बाय कुणाल गांजावाला, प्यार की बारिश, नकाश अजीज ने गाया है कैटवॉक, एंड शाहिद माला जी ने गाया है ए मैं पंजाबी, वो कल शूट करने जा रहे हैं। एक्चुअली अभी 18 गाने हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं एंड वी हैव साइंड 4 new, 4 नए लोगों को साइन किया हमने, फीमेल सिंगर्स भी हैं उसमें, 5 साल के लिए साइन किया हमने, तो स्लोली स्लोली विल बी कमिंग, आपको सब मालूम पड़ेगा, आएंगे धीरे धीरे। मैं लीड प्ले कर रही हूँ लॉट आउना, शान का गाना है। एंड एक बहुत बबली लड़की है रिलेशनशिप में जैसे होता है, एंड वही है कि कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद गाइज मिसिंग मी, ऑब्वियसली लड़के यही करते हैं। कैसी? सो मैंने महेश भट्ट की फिल्म करी है जलेबी एंड 4-5 म्यूजिक वीडियोस करी हैं पंजाबी मलयालम जी म्यूजिक के लिए। दिस इज माय 4th-5th सॉन्ग, शान का गाना कुमार। एंड मेरा और रवि का द गाय हु इज प्लेइंग द लीड, हमारा एक शो आने वाला है, इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी सिटकॉम 4 का पंचनामा, तो इसीलिए बहुत कोइंसिडेंस था कि हमें वो भी मिल गया साथ में और ये भी मिल गया साथ में। रवि यार सेट पे कैसा माहौल था उनके साथ में, सेट की बात करते हो? मतलब वी वर शूटिंग उससे पहले 2 months में कंटिन्यूसली साथ में, 25 days 28 days वी वर शूटिंग टुगेदर, तो वी ऑलरेडी न्यू इच अदर, हम एक दूसरे को पहले से जानते थे और ऑलरेडी ऐसे सीन्स कर चुके थे, तो बहुत फनी था। आई एम अ वेरी फनी पर्सन एंड ही इज़ वेरी शांत, तो या आई वॉज डोमिनेटिंग। इसलिए बोला मैंने पहले गाना तो नहीं सुना था, मैंने बस, मुझे फ़ोन आया कि शान का गाना है, आई सेड बिकॉज आई वॉज नॉट टेकिंग अप म्यूज़िक वीडियोज ज़्यादा, तो आई सेड शान का गाना है, ओके डन, बिकॉज बचपन से सुनते हुए आ रहे हो शान को एंड आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ हिम, सो या इट वॉज वेरी सडन। उसके बाद मैं डांस कर रही थी कि ये मुझे शान का गाना मिल गया, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मेरी फैमिली थी बिकॉज माई डैड इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, तो इसलिए तो शान से मिली तूने ये किया कैसा गाना है, तो इवेंचुअली हमने गाना सुना जब हम रोड ट्रिप पे थे अपनी, आप गाना देखेंगे तो थ्रू आउट द रोड ट्रिप, तो हमने 4 घंटा कॉन्टिन्यूसली वो गाना सुना, समझा क्या करना है, उसके बाद वी परफॉर्म्ड एंड एक्चुअली हैड फन। शान की बात करें, कौन सा गाना आपको बेहद पसंद है उनका? तन्हा दिल एनी डे, आई थिंक आई विल बी डूइंग अ कवर सॉन्ग फॉर इट वेरी सून। या अच्छा, अपेक्षा म्यूजिक मिलान कितना लॉन्च हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? आई एम रियली हैप्पी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है जो अब सिंगल्स ला रहा है, एंड मेरी सर से भी बात होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आ रहे हैं, तो आई वॉज रियली रियली हैप्पी एज एन एक्टर एज अ गर्ल कि सर इज ऑल एक्चुअली हैज बिकम अ फादर फिगर टू मी नाउ, तो एंड ही इज़ प्रमोटिंग हिज डॉटर विच इज़ वेरी गुड, मतलब शी इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट वुमन, एंड या आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग, इट्स एक्चुअली अ ड्रीम कम ट्रू, एंड या दैट्स इट, आई विल जस्ट गिव देम गुड विशेस, lots of luck and I hope we work again together soon, pretty soon, yeah। आपके सामने देखा सर म्यूजिक वीडियो और देख के एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ शूट किया था, एक्चुअली सुबह से निकले थे हम लोग 6 बजे से, रात को 12 बजे पैकअप हुआ था, तो हमने दिन रात सब कर लिया था उसी दिन शूट में, और जितने भी लोकेशन थे ब्रिज जंगल पहाड़ सब कुछ हमने एक्सप्लोर कर लिया था उस दिन। और सर मिला कैसे, तो एक्चुअली ये हमारे किसी रिकमेंड किया था किसी ने, एक्चुअली मैं और जो लड़की हैं साथ में सोनाली सुदन, वो साथ में एक शो कर रहे हैं, तो उसी शो के किसी जान पहचान ने हमारा नाम उन्होंने रिकमेंड किया था, मुझे फ़ोन आया तो मुझे पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि एक्चुअली सॉन्ग मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन बाद में जब उन्होंने बोला हाँ शान का सॉन्ग है एंड आप कर रहे हैं तो करोगे करना चाहोगे, तो मैंने बोला डिफरेंटली मैं खुद शान का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, सो डिफरेंटली करना चाहूँगा। एक्साइटमेंट था, नर्वस थे उस वक्त, गाना शान का गाना है नहीं एक्चुअली
अभी शान क्या है ना, उन्होंने सभी बड़े एक्टर्स के लिए गाने गाए हैं, लाइक शाहरुख खान से लेकर सब जितने भी बड़े एक्टर्स, कोई भी नाम ले लो। तो एक वो था कि मैं जिस इंसान का फ़ैन रहा हूँ, जिसके गाने सुने हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस एक्साइटमेंट दोनों था। और जब गाना सुना तो मुझे एक्चुअली अच्छा लगा और मैंने गाना याद कर लिया था, पूरा सुन सुन के याद कर लिया था। मुझे लिरिक्स जल्दी से याद नहीं होते, लेकिन इसके मैंने स्पेशली कम से कम 500 बार सुन के अच्छे से याद कर लिया था। सो ड्यूरिंग कि आपको गाना होता है तो आप अच्छे से लिप सिंक कर पाओ, तो वो कोशिश की थी सर अपनी तरफ से। और मज़ा आया, मतलब शूट करने में मज़ा आया हमें, क्योंकि पूरा दिन घूमना बाइक वाइक पे सब चीज़ें, सो वो मज़ेदार था। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके साथ, और इनका जो काम करने का तरीका है, और जो ये खुद ही इंसान इस तरह के, जैसे अजय सर से आप मिलोगे, इज़ वेरी जेन्युइन, वेरी यू नो, वेरी वार्म पर्सन। और इन्होंने पहला म्यूज़िक वीडियो है और इसमें हम लोग हैं, एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग लकी कि इन लोगों ने मुझे चांस दिया अपने फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो में। एंड आई एम श्योर ये आगे बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और बहुत अच्छा इनका जाने वाला है। जिस एक काम करने का तरीका होता है सर, आप अच्छा, आपके एथिक्स अच्छे हैं, काम करने का तरीका अच्छा है, तो श्योरली यू आर गोइंग टू सक्सीड। सो इनका वही है सर तरीका, इनकी अप्रोच अच्छी है काम को लेकर। सो आई एम श्योर कि अच्छा होने वाला है काफ़ी। वीडियो की कहानी सर इस तरह की है कि वीडियो में बेसिकली टूटे हुए दिल की उस तरह की आवाज़ है। बेसिकली आपसे कोई छोटी सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से आप ने खो दिया अपने जिसको आप प्यार करते थे, और अब आप उसी को याद करके कुछ गा रहे हो। सो इस दैट मैडम, दिल तो सभी का टूटा होता है एक दो बार तो सबका, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा इंसान, लड़का लड़की, जिसका दिल कभी ना टूटा हो। सो आई एम श्योर कि सबको है, मेरे भी इंसिडेंट्स हैं मैम इस तरह के टूटे दिल वाले। सो डेफिनेटली वो सब याद आ रहे थे गाने के लिरिक्स सुन के। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सुनेगा ना ये, उसको कहीं ना कहीं डेफिनेटली रिलेट करेगा, बिकॉज सबको प्यार व्यार होता ही है, सबको, स्कूल में ले लो, कॉलेज में ले लो, कहीं पे भी ले लो, या रियल लाइफ कभी उसके बाद। सो आई एम श्योर मज़ा आने वाला है सुन के, एंड थोड़ा फ्लैशबैक में जाने वाले हैं काफ़ी लोग होपफुली। और मुझे वीडियो देख के अच्छा लगा सर, ये अच्छे से शूट किया है, जितनी हमने मेहनत की थी तो वो पर्दे पे देख के हमें अच्छा लगा।